हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड प्रॉब्लम सेट। यहाँ पे कंसेप्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमें यह लर्न करना है कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस By using graphical method, मतलब ग्राफ को यूज करके, ग्राफिकल मेथड को यूज करके हमें अपने लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में एज ए एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में है, लेकिन हम यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ताकि वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमें मिले, एक एग्जांपल बन जाए और आगे के प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ में। तो दोस्तों दो इक्वेशंस इस फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन है x plus y is equal to 3 एंड सेकेंड वन x minus y is equal to 4। बहुत आसान इक्वेशंस है, ताकि यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने से इंपॉर्टेंट है इस तरीके को हमें समझना है कि ग्राफ निकाल के कैसे सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा हमें सोचने पे टाइम नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे सिंपल इक्वेशन जो बुक में दिए हैं वही दिए हैं। अभी देखिए इन दो इक्वेशंस को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं और फिर वो दो ग्राफ एक दूसरे को कहा इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो दो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेंगी। ये दो स्ट्रेट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x और y। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू रहेगी, वेरिएबल x की। उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब y वेरिएबल की वैल्यू रहेगी, मतलब इसके सॉल्यूशन बनेंगे। चलो देखते हैं, स्टेप वाइज अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो अभी फर्स्ट हम लेते हैं x plus y is equal to 3, जिसका हमें ग्राफ बनाना है। अभी ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पे, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्राफ पेपर पे दो पॉइंट्स, ताकि हम उनको ज्वाइन करें और लाइन बनाएं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट टू पॉइंट्स चाहिए हमें। तो हमें यहाँ पे नंबर्स लेने हैं, लेकिन हम दो नहीं लेंगे, तीन नंबर्स लेंगे, तीन पॉइंट्स लेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज दो नंबर में से एक नंबर अगर आपका बाय मिस्टेक रॉन्ग हो जाता है तो लाइन तो बनेगी, लेकिन आपके ध्यान में नहीं आएगा कि वो लाइन सही है कि गलत है। तीन पॉइंट्स अगर होंगे तो अगर किसी भी एक पॉइंट में अगर आपने गलती की है तो पहली बात तो लाइन उनसे पास ही नहीं होगी, तीनों से किसी दो से पास होगी और एक पॉइंट अलग रहेगा, तो ध्यान में आएगा मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो हम चेक कर पाएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए हम तीन पॉइंट्स कम से कम लेंगे, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो यहां पे x plus y is equal to 3, ये है इक्वेशन जिसके जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले तीन पॉइंट्स हमें चाहिए। अभी आसानी से हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, किसी भी एक की वैल्यू हमें लेना है। सपोज हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 1 कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सेकेंड वेरिएबल हमें मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वैल्यू ऑफ y 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज अगर प्लस 1 3 के साइड में राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, ये 1 माइनस हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो जब भी y की वैल्यू 1 होगी तो इस इक्वेशन में हमें वेरिएबल x की वैल्यू 2 मिलेगी, और इस तरह से हमें फर्स्ट पॉइंट मिलेगा 2,1 जो हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट के लिए हम और एक आसान सा नंबर ले लेंगे y की वैल्यू। आप x की भी वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू हम लेंगे 0, एकदम इजी वैल्यू लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन जो है x plus y that is 0 is equal to 3 which implies x is equal to 3, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो x की वैल्यू 3 आ गई। मतलब y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 3 मिलेगी और पॉइंट मिलेगा 3,0 जो हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। फिर तीसरा पॉइंट, अभी एक पॉइंट निगेटिव ले लेते हैं, तो यहां पे y की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो
तो इक्वेशन आएगा x प्लस y की वैल्यू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, विच इंप्लाइज अबे माइनस वन उस साइड में प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस वन हो गया फोर, तो x की वैल्यू आ गई फोर, मतलब जब y की वैल्यू माइनस वन है x की वैल्यू फोर आएगी, और फोर कॉमा माइनस वन, इस तरह से भी तीन पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले मिल गए। तो तीन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, हमें ग्राफ मिलेगा। अभी ग्राफ पेपर को यहां लाने से पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के भी तीन पॉइंट निकाल लेते हैं, देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है। x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर है, करेक्ट, जो गिवन इक्वेशन है। अभी फिर से हमें वैल्यूज देना है, पहले हमें y की वैल्यू लेना है। अभी यहां पे जो y है उसकी वैल्यू हम लेंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस वन ले लेते हैं। अगर हम यहां पे माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस वाई दैट इज माइनस वन इज इक्वल टू फोर। देखिए y की जगह पे y की वैल्यू हमने ली माइनस वन, वो यहां पे रख दी है। अभी इससे क्या मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस वन हो गया। और ये प्लस वन को अगर हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, इन शॉर्ट सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स वन, तो फोर माइनस वन अगर हम करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी थ्री, और हमें पॉइंट मिलेगा थ्री कॉमा माइनस वन, यानी फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थ्री कॉमा माइनस वन। अभी फिर हमें वाई की और एक वैल्यू लेना है, तो अभी हम वाई की वैल्यू लेते हैं, एक काम करते हैं हम x की वैल्यू लेते हैं, अभी x की वैल्यू 1 लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 4, व्हिच इंप्लाइज अभी देखिए ये प्लस 1 वहां पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस y की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 दैट इज 3, लेकिन नेगेटिव माइनस y है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों साइड अगर हम साइन चेंज करते हैं तो माइनस वाई का प्लस वाई हो जाएगा और थ्री हो जाएगा माइनस थ्री, साइन चेंज कर दिए, और इस तरह से हमें यहां पे माइनस थ्री मिली, तो यह आ गया वन कॉमा माइनस थ्री, आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट्स के आ गए कोऑर्डिनेट्स वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। अभी थर्ड पॉइंट लेंगे, अगर मैं नीचे लेता हूं तो शायद आपको ध्यान में नहीं आएगा, बोर्ड विजिबल नहीं होगा, तो मैं ऊपर लेता हूं। अभी हमें कोई भी और एक वैल्यू लेना है, हम क्या करते हैं x की वैल्यू जीरो लेंगे। अगर हम x की वैल्यू जीरो लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू जीरो है तो इक्वेशन बनेगा जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। देखिए माइनस वाई जीरो माइनस वाई दैट इज माइनस वाई फोर, अभी साइन चेंज कर दे तो वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस फोर आ गई, सो जीरो कॉमा माइनस फोर, ये थर्ड पॉइंट आ गया जो इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपको आपके रफ बुक में या फिर आपके ग्राफ पेपर में जो ब्लैंक पेज होता है उस पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। मेन है ये दो टेबल्स, क्योंकि जहां पे हमें तीन नंबर्स तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं ईच एंड एवरी लाइन दोनों लाइन्स के, ठीक है, ताकि हम ग्राफ को ड्रॉ करें। अभी हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है x plus y is equal to 3, इसका इक्वेशन इसकी लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है by using these three points। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। दोस्तों आप सबके पास ग्राफ पेपर होना जरूरी है, ग्राफ पेपर के ऊपर ही आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर मैनेज करता हूँ थोड़ा अलग तरीके से। देखिए तो ये ग्राफ पेपर है दोस्तों, इस ग्राफ पेपर पे अगर आप देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम वाई एक्सिस कहेंगे, ओके। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वहां पे नंबर्स दिए गए हैं, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स है 1, 2, 3, 4, एक्स एक्सिस के निगेटिव यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव नंबर है -1, -2, -3, -4, ऊपर की तरफ y एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर से 1, 2, 3, 4, नीचे नेगेटिव नंबर से। तो ये हो गया ग्राफ पेपर रेट। स्केल हमें लेना है तो स्केल हम लेते हैं ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल लिखना कंपल्सरी है, तो हमने स्केल ले ली। अभी हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2, 1। तो देखिए 2, 1 कहां पे आएगा, 2 x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1,
x एक्सिस पे 2 लेना है और y एक्सिस से 1 लेना है, तो दोनों से जो परपेंडिकुलर निकलेंगे वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है हमारा पॉइंट 2, 1। तो उसे हम पॉइंट को राउंड करेंगे, आपके ध्यान में आएगा 2, 1। ओके, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। सेकंड पॉइंट 3, 0। अभी देखिए 3, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, तो x एक्सिस पे डिस्टेंस लेना है 3 हमें, और 3 डिस्टेंस पे ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे 3 आएगा, 3, 0 पॉइंट आएगा, तो इसे हम राउंड अप कर देंगे 3, 0। ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, 4, -1। 4, -1 एक्स एक्सिस पे 4 लेना है, वाई एक्सिस पे -1, इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे 4 यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस से -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये दोनों पॉइंट परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो है हमारा पॉइंट 4, -1। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो गए। अभी तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो तीनों पॉइंट से पास हो जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 3। ओके, तो हमें एक लाइन मिल गई। अभी हमें सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो सेकंड लाइन जो है इक्वेशन x + y = 4, इस लाइन के जो तीन पॉइंट्स हमें मिले हैं उन्हें हमें प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 3, -1। अभी देखिए x कोऑर्डिनेट 3 है, ये -1 है, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो x एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे -1 लेना है वहां से परपेंडिकुलर, और ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है 3, -1। हमने राउंड ऑफ कर दिया। फिर सेकंड 1, -3। अभी देखिए x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे -3 है, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है 1, -3। और थर्ड पॉइंट 0, -4, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -4 है, तो y एक्सिस पे -4 है वही पे पॉइंट आएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस तरह से राउंड अप कर लिया हमें थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अभी ये जो तीन पॉइंट्स हमें मिले हैं इनसे पास होने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यह हुई सेकेंड लाइन जिसका इक्वेशन है x - y = 4। तो अब ये दो लाइन्स हमें मिल गई है, दो इक्वेशंस जो गिवन है उन दो इक्वेशंस के दो ग्राफ अभी मिल गए बाय यूजिंग दिस 3-3 पॉइंट्स। अब ये दो ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट देखिए क्या है, वहां पे थोड़ा हम सिंबल दिखाते हैं राउंड अप का, राउंड का सर्कल का, उस सर्कल जो ब्लैक कलर का सर्कल है आप देखेंगे वहां पे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अभी जो परफेक्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका जो x कोऑर्डिनेट है अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो वो x कोऑर्डिनेट 3 और 4 के सेंटर में, दैट इज 3.5 है, क्या है 3.5 x कोऑर्डिनेट, और उसी पॉइंट का अगर आप y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपको मिलेगा 0 और 1 के बीच में नेगेटिव साइड में, मतलब -0.5। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिला है उसका x कोऑर्डिनेट 3.5 है और y कोऑर्डिनेट -0.5 है, और इस तरह से हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 3.5 है, y की वैल्यू -0.5, और इस तरह से इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गए है ग्राफिकल मेथड से, और हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, इन शॉर्ट सॉल्यूशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मिल गया 3.5 और -0.5। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे 3.5 - 0.5 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे देखो आपको टैली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है आपके ग्राफ पेपर पे, उसके पहले आपको सॉल्व करना है। नेसेसरी नहीं कि आपको सेम नंबर लेने, आप कोई भी नंबर अज्यूम कीजिए, लेकिन नंबर अज्यूम करते वक्त ये ध्यान में रखिए कि आप जो नंबर ले रहे हो और ओ प्लेस करने के बाद जो दूसरे वेरिएबल्स के नंबर आएंगे वो दोनों नंबर्स आपके ग्राफ पेपर पे अवेलेबल है क्या। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं नंबर लेता हूँ 10, वाई की वैल्यू अगर 10 लेता हूँ लेकिन मेरे ग्राफ पेपर पे 10 एडजस्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर ग्राफ कैसे आएगा। तो आपको इस तरह से नंबर लेना है जो आपके ग्राफ पेपर पे है, अगर बाय मिस्टेक गलत नंबर आता है जो नंबर नहीं है वहां पे तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों बड़े आसानी से ग्राफ पेपर से, ग्राफिकल मेथड से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया।
दोस्तों इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और फिर पहले तो टेबल्स बनाइए ना, और उसके बाद जो तीन तीन पॉइंट्स आप लेंगे हर एक इक्वेशन का, उनको प्लॉट कीजिए, उनका ग्राफ बनाइए, जो लोग स्ट्रेट लाइन आएंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए क्या है, और वो जो पॉइंट मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखिए, और वो दोनों वैल्यू अगर आपके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपकी टैली हो जाएगी और क्लियर होगा कि आप परफेक्ट हो। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया लाइक बटन जरूर दबाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे वाले सारे वीडियोस पूरे साल हम आपको देते जाने वाले हैं। हर एक चैप्टर अलजेब्रा ज्योमेट्री का, हर एक चैप्टर का हर एक सम यहाँ पे सॉल्व करके लेंगे, और आपको कोई और गाइड देखने की जरूरत नहीं, कहीं क्लास लगाने की जरूरत नहीं, बस यही से आपको सब कुछ समझ में आएगा। डाउट है कॉमेंट्स बॉक्स में, हम वेट कर रहे हैं आपके डाउट का, आपके सजेशंस का, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्तों को ये उनके हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है ध्यान दान सबसे बड़ा दान है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। चलो बाय बाय।